सभी कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उसको व्यापक स्तर पर ले चला। इसका एक कंपोनेंट है कि वृहद स्तर पर प्लांटेशन भी लगाए गए, वृक्षारोपण किया गया। गौतम बुद्ध नगर में जैसे कि आपको पता है कि इसकी एरिया 1442 स्क्वायर किलोमीटर है, इतना बड़ा है इतना दिल्ली है, आबादी इसकी 30-35 लाख के लगभग है। ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है, अतः इस डेवलपमेंट के कारण से हो सकता है कि पर्यावरण क्षति भी हुई है। अब उसको कैसे कंपेंसेट किया जाए ये बड़ा इशू है। सरकारी विभाग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने अपने टारगेट्स बना दिए हैं, कल सुबह ये पोसा वन महोत्सव प्रारंभ करा रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में कैसे लोगों को इंक्लूड किया जाए और आगे बढ़ाया जाए और स्टेक होल्डर्स को कैसे आगे ले चला जाए, ये प्रशासन के लिए चैलेंज है। तो इसमें आपको याद है कि मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रेटजी पर हम लोग काम कर रहे हैं, सभी तरह से लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जैसे पिछले वर्ष हम लोगों ने कुछ कंपनीज को दिया था जगह सोरखा में और बाकी जगह, वो अच्छा काम कर रही हैं, 4-4.5 एकड़ जमीन बिना किसी कंडीशन के, मतलब ये कंपनीज या स्टेक होल्डर्स एनजीओस रोटरी, इनको अगर कोई ज़मीन दी जा रही है तो उसमें ना तो वो पट्टा हो रही है, ना तो लाइसेंस बेसिस पे है, ये केवल इस आधार पे है कि आप सीएसआर के एक्टिविटीज़ के अंतर्गत, क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप समाज में इस तरह का काम करना चाहते हैं, अतः ये ज़मीन आपको दी जा रही है जहाँ पे आप प्लांटेशन कराएं, फेंसिंग कराएं, उसका टेक केयर करें और अगले 5-10 साल तक उसको देखें और फिर हैंडओवर करें। लेकिन बीच में जिस समय भी एडमिनिस्ट्रेशन महसूस करेगा कि कार्य नहीं हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें आपसे वापस करेगा। इसमें किसी तरह का राइट टाइटल, किसी तरह का, किसी भी तरह का न फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं। तो हम रोटरी आगे आई थी और उसमें सदर तहसील में 3 जगहों पे करीब 7-8 हेक्टेयर जमीन जो है वो मिली है, जिसमें तहसील के बगल में सुतियाना में लखनावली में और फिर रोटरी के नए अध्यक्ष यहाँ के जैन साहब जो है आए, उन्होंने ये कहा कि हमको दिया जाए। तो हम लोग इस कंडीशन पे एमओयू साइन करने जा रहे हैं कि 15 अगस्त तक सारा प्लांटेशन हो जाएगा, 15 अगस्त को मुख्य तक। उसमें सोसाइटी इन्वॉल्व होगी, रोटरी आपको पता है कि बहुत पहले से समाज के अच्छे कार्यों को कर रही है और इनके आने से सामने आने से पूरे लोग जो है उसके पीछे एक अच्छे कार्य के लिए इन्वॉल्व। तो हम लोग जो पहले एक्सपेरिमेंट किए थे पिछली बार एक्सटेक्स से, अब रोटरी के साथ फिर कुछ और भी करने जा रहे हैं, दादरी तहसील में बहुत जल्दी उसको भी करेंगे। इस तरह का भी इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है। तो मैं जैन साहब की तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा, रोटरी का क्या कमिटमेंट है जरा शॉर्ट में बताएं। हम एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से एमओयू साइन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसके तहत हम 50,000 प्लांट नोएडा और ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में लगाएंगे और 2 साल तक उनकी पूरी 2-3 साल तक उनकी अच्छे से देख रेख करेंगे। ज़मीन और प्लांट हमारे को प्रशासन से मिल रही है और इसके लिए हमारे जिला माननीय जिलाधिकारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उनके अथक प्रयास की वजह से ही हम ये कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ एक हमारी स्कूल की भी बात हुई थी, हम लोग विंस के प्रोग्राम के तहत स्कूल्स भी करते हैं, जिसके 2 स्कूल पिछली बार हमने केजा में किए थे और 2 स्कूल इस बार फिर हमें जिलाधिकारी जी ने दिए हैं, तो हम वो भी करेंगे। उसमें हम पूरी तरह रेनोवेशन करते हैं, कोई टॉयलेट गर्ल्स और बॉयज़ के टॉयलेट अलग अलग बनाए जाते हैं, वॉशिंग स्टेशन बनाया जाता है और जो भी ज़रूरत होती है, अगर कंप्यूटर लैब चाहिए या ड्रेस चाहिए या कोई भी सामान चाहिए तो वो हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हम करेंगे। यही हमारा प्लान है और इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में हम हेल्थ सेंटर बना रहे हैं रोटरी क्लब दिल्ली अशोका के नाम से,
जिसकी तकरीबन वैल्यू 6 करोड़ रुपए की है, जिसके लिए लैंड हम ऑलरेडी ले चुके हैं, निर्माण कार्य उसमें शुरू हो रहा है और हमारी कोशिश है कि अगली जून तक हम उसको कंप्लीट करके चालू कर देंगे, जिससे कि हमारे गरीब भाइयों को करीब करीब 50,000 लाख गरीब भाइयों को हेल्प की सुविधा मिल पाए। ये सब हमारे प्रोग्राम है। दो हमारे गर्ल्स इंटर कॉलेज में थे, एक होशियारपुर एक बादलपुर, और बहुत जल्दी जो होशियारपुर अंधी नाम ने लिया, वो जो हम एमओयू करते हैं सीएसआर में, और बहुत जल्दी वो देखेगा कि सब स्मार्ट क्लासेज जैसे लगे हैं, कंप्यूटर के सारे कुछ। और सोप्रा स्टीरिया ने बादलपुर अभी मैसेज आया, 40 कंप्यूटर्स का एक लैब बना रखा है, स्मार्ट क्लासेस, 10 स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड्स और सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ हो गया। बहुत जल्दी आप देखेंगे इन स्कूलों में परिवर्तन हो गया। तो खैर, ये तो आपको न्यूज़ आप दी जाएगी। आज का ये है कि आज एमओयू साइन होने जा रहा है और इसमें तत्काल आप लोग जो है प्लांटेशन स्टार्ट कर देंगे और 15 अगस्त को बहुत व्यापक स्तर पर करेंगे और उसकी पूरी देखरेख करेंगे, और देखरेख करेंगे इतनी कि वो जो है अपने आप में वृक्ष बन जाए और उसे आइडेंटिफिकेशन भी आप लोगों का रहेगा। तो इस तरह के पैचेस हम चाहते हैं कि ज़िले में बहुत सी जगह रहें। तो इंटरफेरेंस जो है, वो जो इंटरवेंशंस है कम्युनिटी का, उसमें ग्राम पंचायतें भी रहें, उसमें इंडस्ट्रीज भी रहें, उसमें एनजीओज और रोटरी जैसी संस्थाएं भी रहें, उसमें कंपनीज आ रही हैं वो भी रहें, उसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स भी रहें। इन सबको कैसे एडजस्ट किया जाए, उसमें प्राइवेट लोग भी रहें, इन सबको कैसे शामिल किया जाए, हम लोग के लिए बड़ा चैलेंज है जो आगे आने वाले दिनों में उसको हम लोग करेंगे। हाँ सब दो रोज में हो जाएंगे, कुछ आगे बैठ जाएंगे और आप आ जाइए।